मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वे भावुक दिखे। उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता ने मुझे इस बीच का माना है। छोटे छोटे बच्चे मुझे मामा कहकर बुलाते तो मैं उनको चूमता, गले लगाता। यह मैं कभी नहीं भूलूंगा। अपनी जनता का हृदय से आभारी हूँ। उन्होंने कहा, मेरे मन में कभी दुर्भावना नहीं रही। कर्तव्य के भाव से किए गए फैसले से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी, एक कार्यकर्ता के नाते जनता की सेवा करता रहूंगा। वहीं दिल्ली नहीं जाऊंगा, पर उन्होंने कहा कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मरना। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सीएम हाउस में शिवराज सिंह ने महिलाओं से मुलाकात की। कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा, लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। 2003 में उमा जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसी सरकार का नेतृत्व मैंने उमा जी तिरंगा यात्रा और तिरंगा वाला जो हमारा उनका प्रकरण था उसके बाद उन्होंने पद छोड़ा था और फिर श्रीमान गौर साहब के नेतृत्व में सरकार चली, फिर मैंने सरकार संभाली। उमा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के परिश्रम से वो सरकार बनी थी। 2008 में हम फिर सरकार वापस लेके आ पाए जनता के आशीर्वाद से। 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनी। 2018 में वोट हमें ज्यादा मिले लेकिन सीटों के गणित में हम पिछड़ गए थे, लेकिन बाद में फिर हमने सरकार बनाई।